काला धुआं चैनल ना यूट्यूब है। हां जी भाई सब्सक्राइब कर दिले हमें देबो ए माए ए माए ए मालिक कुछ बोल हमको भी दाड़ा दाड़ा अगर रास्ता चला जाएगा ना तो बड़े कुत्ते इसको मार देगा। Hey guys, welcome back to another vlog. और आज के vlog में हम लोग ये देखो कौन आ गया ये पोगो ये कौन है पता है पोगो है और ये देखो क्या किया पोगो ने बाइक करके कल रात को। तो जो भी हो आज हम लोग जा रहे हैं 2-3 सेकेंड हैंड शोरूम में और फर्स्ट हैंड शोरूम में भी जाएंगे और जाके हम ये देखेंगे कि ड्यूक 250 का प्राइस कितना है और R15 का प्राइस कितना है फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड बोथ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी नया बाइक लेने का टाइम आ गया है। तो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं कि प्राइस क्या है। और यहाँ पे बंगाल में सरस्वती पूजा का वक्त आ गया है, हर मोड़ मोड़ पे लोग चंदा मांग रहे हैं। तो जो भी हो गाइस, तो गाइस बात ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा बाइक लूँ, ड्यूक 250 या R15 या कुछ और। तो मेरा जो भाई है अनिश वो मेरे को बोल रहा है कि भैया आप ड्यूक 390 ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। अब पावर तो है गाइस, लेकिन बात ये है ना कि ड्यूक का ना एक नया अपडेट आने वाला है कुछ ही महीनों में। ड्यूक सीरीज का लुक्स पूरा ही चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि RC जो बाइक है RC का मॉडल पूरा ही चेंज कर दिया है, लेकिन मेरे को पर्सनली नया वाला RC का लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा गाइस। पुराना वाला RC एकदम क्या लगता था भाई, बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन नया वाला RC का लुक मेरे को काफ़ी बेकार लगा है। अब पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। ऑल दो इसका फीचर्स एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है नया वाला RC में, और ड्यूक के मामले में भी यही सेम होने वाला है गाइस। ड्यूक का भी लुक जो है वो पूरा ही चेंज कर दिया जाएगा, नया वाला लुक आ जाएगा। और नया वाला लुक अगर आपने नहीं देखा तो नया वाला ड्यूक ऐसा दिखता है, और मेरे को पुराना वाला ड्यूक ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन ओल्ड तो ओल्ड ही होता है ना। बात करें कि R15 वर्शन 4 का या R15M का, जो भी हो R15V4 का, वो एकदम नया वाला मॉडल है। अपकमिंग 5 साल में तो ये मॉडल ऐसे ही रहने वाला है इन माय ओपिनियन, बिकॉज लास्ट टाइम V3 का जो मॉडल था वो भी काफ़ी टाइम से 4-5 साल से तो मार्केट में था ही। तो यही है बात, शोरूम वोरूम घूम के आते, देखते कुछ बाइक्स, फिर डिसाइड करते क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो हम कभी घूमने नहीं जा रहे गाइज, आज हम थोड़ा सा वो देखो जब काला धुआं क्यों काला धुआं भाई तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बजाज के शोरूम में, क्योंकि यहाँ पे KTM का शोरूम नहीं है। तो हम बजाज के शोरूम में जाएंगे और ट्यूब 250 जो है उसका प्राइस हमें मालूम कर रहा है। अब इधर खड़ा करते हैं बाइक। दादा 250 ड्यूक एर ऑन रोड प्राइस कैमन आसबे? या ये ले लूँ भाई, प्लैटिना ले लेते, 100 किलोमीटर का माइलेज आएगा। या पीछे वो डिस्क ब्रेक है या ABS है, कितना बड़ा है? अरे ABS विदाउट डिस्क, पहली बार देखा भाई। दूला काटा तो पड़े, अच्छा। और 200 हाँ 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 अच्छा हाँ चैनल हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। পার্টসপত্র ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হেলমেট 2000, আরে এই হেলমেটটা অর্ডার দিয়েছি সে সালা ডুপ্লিকেট মাল দিয়ে গেছে, বলিস না আর। সে মানে ওই 200 টাকার হেলমেট দিয়ে গেছে বাস মধ্যে। আসি সাবস্ক্রাইব করে দিস, আমি যাইঙ্গে হাম লোক চলো হবে একদিন, চলে আসবি সবাই মিলে চলে আসবি। তো আমি যাইঙ্গে ইয়ামাহা কে শোরুমে,
ये लोग 250 ड्यूक का प्राइस 2,78,000 बोल रहे हैं। अभी देखो यार, 4-5 सब्सक्राइबर तो यहाँ से मिल जाएंगे, इसलिए निकलना पड़ता है। निकलते हैं, लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, सब्सक्राइबर बनते हैं, सब जुड़ते हैं चैनल के साथ। बस यामाहा का शोरूम जाना है। ओके, अभी इसीलिए ना मैं कंफ्यूज हूँ कि ड्यूक 250 लूँ या R15 लूँ, R15M, क्योंकि एम का प्राइस माइलेज और लुक पावर ठीक है, लेकिन लुक्स यार, लुक्स तो मैं बोलूँगा R15 का लुक G4 का मतलब M का ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और ड्यूक सामने का ना, हाँ हाँ, वो 390 का दे रहा है। हाँ, ये तो सही है। और एक बात है, ड्यूक मॉडल्स का इस साल नया वाला अपडेट आ रहा है, ये मॉडल बैन हो जाएगा, समझ रहे हो? नया वाला मॉडल आ रहा है, अभी बोल रहा हूँ कि R15 का ना मॉडल अभी नया आया है इस साल, ठीक है? अभी मतलब 4-5 साल तो चलेगा ही ये मॉडल। अबे क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये महिला समिति की হ্যাঁ, এই যে আপনারা আসছেন আমাদের ধরছেন, সেটা আপলোড হবে। হ্যাঁ, তাহলে সবাই হাই বলে দাও, সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমি দেব। ব্যাচেলার ছেলে পিলে এর থেকে বেশি কি দেব? ओ भाई क्या लग रहा है, नेकेड मॉन्स्टर भाई, ये कितना दिन से पड़ा है यहाँ पे, देखो एकदम नया वाला बाइक है, अभी तोड़ फोड़ के एकदम, अरे ये तो ऑन भी हो रहा है। ए मलिक कुछ बोल हमको भी। বলছি R15 এর V4 এর দাম কত আছে এখন? ব্লু কালার 2,20,000। আচ্ছা, আর R15M 2,28,000। অর্ডার দিলে কতদিনের মধ্যে আসবে? এক সপ্তাহ। চলো, কে লাগ রা না, ইয়ে কে করনা হ্যায়, ইসকে সামনে MT কা হেড লাগানা হ্যায়, আর পিছে সে ইয়ে হটা দেনা হ্যায়, নাহি ইয়ে নাহি হটানা, ইয়ে সহি করনা হ্যায়, আর এক MT কা হেড লাগা দেনা, আর ইয়ে যে চেসিস হ্যায় ইয়ে পুরা কালার কর লেনা হ্যায়, বাস পুরা একদম নেকেড মনস্টার। अभी गाइस 2,28,000 बोल रहा है ऑन रोड R15 का, तो चलो देखते हैं, अभी सोचेंगे अभी कहाँ जाना। কত দাম? ভালো টাকা লাভ রেখে দিয়ে যাবে। तो गाइज देख लिया, और हमारा जो FD है उसको सेल करना पड़ेगा, और उसको सेल करने के लिए हमको थोड़ा सा बाइक में चेंजेस लाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा टेल सेक्शन जो है बाइक का वो भी मॉडिफाइड है, तो उसको फिर से जैसा था बाय डिफॉल्ट वैसा ही उसको करना पड़ेगा, उसका टेल लाइट लगाना पड़ेगा, उसका मडगार्ड लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ फिर से करना पड़ेगा, करके फिर हम इसको सेल कर पाएंगे, बिकॉज लोग ऐसे बाइक खरीदते नहीं है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, अगर आप बाइक खरीदते हैं और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो जब आप बाइक को रीसेल करने, जब मतलब सेल करने
जाएंगे तो उसको सेल होने में दिक्कत होगी, क्योंकि कस्टमर्स के हिसाब से वो बाइक पसंद नहीं भी आ सकता है, इसीलिए लोग नहीं खरीदते, लोग स्टॉक बाइक ही खरीदते हैं। तो यही है बात, तो हम उसको दोबारा से चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके फिर हम उसको सेल करेंगे। तो देखते हैं सेल करने में कितना प्राइस आता है, वो भी अपडेट आप लोगों को देंगे। तो गाइस आज के लिए वीडियो यही तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन राइड सेफ, वेयर हेलमेट एवरीवेयर एंड कीप रॉकिंग। अभी सोच दाड़ा दाड़ा ना ना कामड़ा नहीं कामड़ा जी ना भय पे जी ना ना कामड़ा नहीं ना ना यार। अब बात ये है ना कि ये पपी जो है ये इसको हम रास्ते से उठा के लाए हैं, क्योंकि इसका मम्मी इसको छोड़ के चली गई, और ये तीन भाई बहन थे उसमें से दो तो अनफॉर्चुनेटली मारे गए, एक को बुरी तरह से कुत्ते ने काट लिया था, तो हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया, 8-10 दिन वो जिंदा था, अच्छा था, घर पे ही रह रहा था। इसके बाद वो एक दिन ऐसा हुआ कि घर से बाहर निकल गया और अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया। तो यही है बात, अब इन लोगों को और कर भी क्या सकते बताओ, अब जितना हो सके हम उतना केयर करते हैं, अब हर एक रिश्ते की कुत्ते को तो हम ऐसे मतलब घर पे नहीं रख सकते ना। तो जो भी हो अभी ये हमारे घर पे ही रह रही है, अगर रास्ता चला जाएगा ना तो बड़े कुत्ता इसको मार देगा, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसका देखभाल करना पड़ेगा।